हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस स्ट्रॉबेरी के डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी, वो भी बेसिक स्टिच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम इसकी डंडी को बनाएंगे, वो भी साटन स्टिच से। और यहाँ पर हम करते हैं पहले स्टेम स्टिच, क्योंकि ये बारीक डंडी है। यहाँ तक हमने स्टेम स्टिच को बना लिया। अब यहाँ पर ये डबल लाइन आनी शुरू हो गई है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको अब साटन स्टिच की तरह बनाते हुए जाएंगे। हल्का तिरछा टांका लेते हुए और इसके लिए मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है। हल्का तिरछा टांका लेने से देखने में एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइन दोनों अच्छे लगते हैं और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और इसी तरह इसको आखिर तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। और अब बनाएंगे इसकी लीफ को, वो भी बटन होल स्टिच से। जब भी इस तरह की नोक आएगी, जैसे कि ये कॉर्नर बने हुए, तो इस सुई को यहाँ ऐसे नीचे ले जाना है और फिर यहाँ से निकालना है, ताकि हमारा ये जो कॉर्नर है वो सही से शेप में बना रहे। और फिर जैसे बटन होल स्टिच करते हैं वैसे ही बनाना कंटिन्यू। और जैसे हमने यहाँ पर बनाया, सेम इसी तरह यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद सुई के अंदर धागे की 2 लेयर को पिरा लेंगे और फिर यहाँ बनाएंगे स्टेम स्टिच। और अब बनाएंगे हम इस स्ट्रॉबेरी को, वो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से। और इसके लिए मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है और इसको हम बीच सेंटर से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से टांका निकालने के बाद यहाँ ऐसे
और यहाँ आउटलाइन पर से सुई को ऐसे निकालेंगे और फिर इसके ये हमने एक टांका ले, या तो इससे छोटा टांका ले या फिर एक इससे बड़ा टांका ले। अब जितना हमने इस टांके को लिया अब इतना लेना है, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा टांका लेना है। पहली लेयर को हमें इसी तरह बनाना है। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट वैसे तो बहुत आसान टांका है, लेकिन इस टांके को मर्ज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर एक बार तरीका पता चल जाए तो आसानी से बना सकते हैं। और इसको बनाते समय इसके टांकों का रुख को ध्यान में रखना होता है, तभी जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की हुई डिज़ाइन है वो अच्छे से सफाई से नज़र आती है और सुंदर दिखाई भी देता है। और यहाँ इतना करने के बाद ये जो हमारे टांके छोटे छोटे, इन टांकों को यहाँ इतना बड़ा लेंगे और इसी टांके पर से निकालेंगे, यानी कि अब हमारे जितने भी छोटे टांके इनको फिल करना है। इसके सामने से ऐसे टांका उठाया और दूसरा वाला जो छोटा वाला टांका है वहाँ पर ऐसे सुई को निकाल दिया। इससे क्या है, हमारे जितने भी छोटे टांके वो सारे लंबे होते चले जाएंगे ऐसे। और इसी तरह यहाँ पर भी इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से इसको मैंने ये लॉन्ग लिया और इस वाले टांके से ऐसे निकाल दिया। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम उसी तरह इसको यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे बनाना और इसे लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरह इस हाफ को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और अब बनाएंगे इसके लीफ को, वो भी साटन स्टिच से। जैसे हमने इसकी डंडी को बनाया था तिरछे टांके लेके, सेम उसी तरह बनाएंगे। और अब बनाएंगे इसके ऊपर फ्रेंच नोट स्टिच को, और इसके लिए मैंने धागे की तीन लेयर को लिया है।
अब यह स्ट्रॉबेरी बनकर के तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।